शेषन स्वागत है आपका टीएस4 न्यूज में। देखा जाए हरियाणा चुनाव पे सबकी नजर थी और अब एग्जिट पोल भी सामने आ चुका है जिसमें साफ तौर पे बताया जा रहा है कि 55 से यहां पर 65 सीटें कांग्रेस के खेमे में आती नजर आ रही है, बची कुछ ही सीटें यहां बढ़ती नजर आएगी। तो आखिरकार जनता से जानेंगे कि आखिरकार उनके मन में क्या था और यहाँ पर जिस तरीके से एग्जिट पोल जवाब दे रहे हैं तो जनता क्या सोचती है, क्या लगता है यहाँ पर जिस तरीके से एग्जिट पोल लगातार सामने आ रहे हैं? लगना क्या मैडम सही है, हरियाणा में तो बीजेपी का टूपला ताप है। अगर मेरे ख्याल से 5-7 सीट ले जाए तो बहुत समझना, करीब 60 से 65 सीट, 90 में से 60 से 65 सीट कांग्रेस की हैं और फिर अदर है ये आम आदमी पार्टी है। वैसे अब एक बात में मैं खपाऊँ कि आम आदमी को या तो कांग्रेस के साथ लड़ना था या इलेक्शन ही नहीं लड़ना था वहाँ, क्योंकि ये जब भी गए ना वोट काटेंगे कुछ कांग्रेसों की सीट, कांग्रेस की सीटों पे फर्क पड़ेगा 2-4 रुपए, इतना फर्क नहीं पड़ेगा बस 2-4 रुपए। इन्होंने केजरीवाल ने इस बात में मैं खिलाफ हूँ, वरना अपना केजरीवाल का समर्थन करता रहा था, पर इस बात में खिलाफ हूँ क्या इन्हें 55 से 65 सीटें कांग्रेस के खेमे में एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, क्या लगता है? देखिए मैम, एग्जिट पोल को तो मैं सही नहीं मानता, क्योंकि यही एग्जिट पोल है ना जो 411 दिखा रही थी लोकसभा सीट में और विपक्ष को 102 दिखा रही थी, तो आज कैसे हम मान लें कि एग्जिट पोल सही निकल सकता है? जब बीजेपी वाला कहे तो सही तो ये भी सही और वो गलत तो ये भी गलत। हाँ, जनता का मूड आप देखिए, जनता का मूड क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक जो 12:30 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हैं और 1 बजे जाके राहुल जी के साथ हाथ मिला लेते हैं, तो ये जनता का पक्ष है, जमीनी पक्ष है। मीडिया केवल कुछ लोग से या कुछ हज़ार लोग से बात करता होगा, लेकिन जनता का मूड या नेता का मूड उन्हें पता है कि होना क्या है। भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायक, इन्होंने कम से कम 9 ऐसे अपने सांसद विधायकों को 6 साल के लिए बैन कर दिया है, तो इसका मतलब है ना कि जनता इनसे रूठी हुई है। अगर अनिल विज जी किसी गांव में जाते हैं और वहां की जनता उन्हें भगाती है तो इसका मतलब जनता भारतीय जनता पार्टी से निराश है। अगर फोगाट जी को लोग माला पहनाते हैं, घर में चाय पानी पिलाते हैं तो जनता उनसे प्यार करती है। हम जनता की मानते हैं, मीडिया का अभी एग्जिट पोल मुझे विश्वास नहीं। यहाँ पर मतदान से कुछ समय पहले यानी कि कल देखा गया था कि अशोक तंवर ने किस तरीके से पार्टी ज्वाइन की थी कांग्रेस की, तो कितना फायदा यहाँ पर कांग्रेस? तो मैं यही तो आपको बताया है कि जनता का मूड का, देखिए जैसे कोई भी आदमी अपनी लाइन में परफेक्ट होता है या एक्सपेक्ट होता है, तो ये नेता है उन्हें पता है कि जनता का मूड क्या है। पहले तंवर जी इसी कांग्रेस में थे, कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले कांग्रेस को तोड़कर अपनी पार्टी बना ली। आज क्या हुआ, जनता का मूड ये हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी किनारे कर रही है, तो तंवर जी को समझ में आ गया है कि मेरा नंबर कटने वाला है और मैं फिर से अपने चला जाऊं, तो वो कह रहे मेरे घर की वापसी हो गई है। आप देख लीजिए वहाँ का एक गायक है मित्तल, कोई रॉकी मित्तल ऐसे कोई नहीं, नहीं दूसरा कोई है, कोई रॉकी मित्तल ऐसे कुछ करके उसने गाना ही बनाया है। वही पहले मोदी जी के लिए बनाता था गाना कि मोदी जी बढ़िया बढ़िया, आज वो गाना बना रहा कह रहा है कि राहुल गांधी जी से मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करना या मैं अंधभक्ति में रहा। तो जनता क्या होता है, जो जनता से जुड़ा हो, तो जो ये कलाकार हैं या नीचे वाले अपने ये जो गाने वाले हैं वो लोगों से जुड़ते हैं और वो गाना सुनते हैं। जो 5 मिलियन 10 मिलियन गाना वायरल हो रहा है तो इसका मतलब जनता सुन रही शौक से ना, तो जनता प्रणाम देगी। लगता है कि हरियाणा की जनता क्या चाहती है फिर, क्या मतलब क्या चाह रही थी और क्या होने वाला है 8 तारीख को जब रिजल्ट? बदलाव और बदलाव होना जरूरी है। मैं ये फिर के हर जनता से कहता हूँ, जिस प्रदेश में काम नहीं होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपना चुनाव 2014 में शुरू किया था तो विकास के नाम पर शुरू किया था, और अभी लोकसभा का जब चुनाव हुए तो मंगलसूत्र और गाय भैंस बकरी चली आई थी बात। अभी क्या हुआ है, हरियाणा में गए तो हरियाणा के दलाल और दामाद की बात होने लगी। अरे अपने काम पे वोट मांगो ना यार, आपने जो अपनी उपलब्धियाँ दी हैं देश को उस उपलब्धि पे वोट मांगिए कि हमने 10 साल के अंदर ये स्विट्जरलैंड बना दिया है, ये लंदन बना दिया, अमेरिका बना दिया, तो आप दामाद और दलाल पे क्यों जा रहे हो? अगर वहाँ की जनता ये सुन रही है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर कांग्रेस सरकार आ गई तो यहाँ दलाल और दामाद का राज हो जाएगा, तो ये जनता वहाँ सोच ले कि अब दलाल है, अगर वो दलाल है तो भाई वोट न दे, अगर वो कांग्रेस को वोट देती है तो दलाल है, तो ये हरियाणा की जनता खुद सोचे। अभी भी मोदी जी का एक बयान आया जिसमें कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ बांटने का काम करती है, बांटने की सत्ता, और जब आ जाएगी अगर सत्ता में तब भी बांटेगी लोग। बांटने की तो है ही है, अगर बांटा ना होता हमें ना बांटा होता, मैं अपनी बताता, हमें राशन ना बांटा होता
तो आज हम खड़े ना होते। अगर इन राजाओं से राशन पे निर्भर हो बिल्कुल ओके खाते हैं गोबर। अरे देश का किसान इतना अनाज उगाता है कहाँ से कहाँ जाता है वो गोबर थोड़ी खाते हैं। अरे अगर हमें इन राजाओं से लोकशाही खत्म ना करी होती उन्हें खत्म बांटा ना होता तो आज हम जाते कहाँ? आज हम भी किसी राजा के मुगल के यहाँ नौकरी कर रहे होते। जो बड़े बड़े राजशाही थे उनको कांग्रेस ने तो खत्म किया है, उन्हें बांट दिया भाई, और जो जमीनें उनसे निकली हमें दिया गई, किसी को 1 बीघे किसी को 10 बीघे जमीनें दी, तो हमें जमीनें मिली, हमने किसानी करी और खाए, अपने बच्चे पाले और हमारे पिताजी लोग किसानी करते, तो बांट के हमें मिला है ना कुछ, हमारा गया कुछ नहीं है, गया उनका है जो राजशाही थे राजा थे, दिक्कत उनको हो रही, हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी भी मोदी जी का यही यकीन है कि हरियाणा की जनता उनका ही साथ दे रही है और हरियाणा में भाजपा पूर्ण बहुमत से आ रही है। मैडम देखो यकीन की बात तो मैं कह नहीं सकता, भाजपा को इलेक्शन में 400 का नारा था और मोदी जी ने 3-8 होके कहा था आपकी बात 400 बार, जनता ने क्या किया? और रह गया आपका हरियाणा में, मैडम मोदी जी कितना भी दावा कर ले जो हकीकत है, जमीनी हकीकत वो यही है कि मोदी जी को बीजेपी को वहाँ बहुमत नहीं मिल रहा, और वहीं नहीं आपके जम्मू कश्मीर में भी बहुमत नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी गठबंधन की सरकार बनेगी, इनकी सरकार कहीं नहीं बन रही। और एक मिनट मैडम, मैं तो चाहता हूँ जैसी ये राजनीति कर रही है ना बीजेपी, अभी आपने एक साधु महात्मा का बयान सुना होगा जिस पर बवाल हो रहा है, सुना है ना, मैं नाम नहीं ले रहा, किसका समर्थन है, किसका समर्थन है उसके ऊपर, क्यों नहीं उस पर एक्शन होता कि FIR दर्ज हो गई कहाँ? और यही बाबा पहले भी इस पर कई केस हुआ और जेल भी हुआ है, इसे कौन समर्थन देता है? अगर देश को बचाना है तो बीजेपी को तो भगाना ही पड़ेगा मैडम, अगर देश में रहना है। पर बात कर लेते हैं, आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि कांग्रेस के खेमे में 55 से 65 सीटें आ रही है हरियाणा। वो मुझे नहीं पता क्या लगता है हरियाणा में आएगी नहीं आएगी? हरियाणा में आएगी या नहीं आएगी ये तो बात की बात देखी जाएगी। ये सीटों का जो चक्कर जो आप यहाँ पे इस रोड के ऊपर घूम फिर के चला रहे हो ना, ये लोगों को यहाँ पे कितने भी लोग हैं यहाँ पे XYZ इनको कुछ पता नहीं, जो वोट देते हैं उनसे पूछो।